नमस्ते। 365 दिन 365 अवसर, इसका अर्थ है हम लोग हर एक दिन कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। पर हम लोग पूरे साल भर में ना कुछ नया करते हैं ना कुछ नया सीखते हैं। क्यों? क्यों हम खाली टाइम पास करते हैं। माइकल फिलिप्स जो अमेरिका के एक बड़े ओलंपिक प्लेयर है, इन्होंने क्या कहते थे कि मैं हमेशा ही अपने अवसर को निम्न से क्या पालन करता हूँ। कैसे? वो हर एक दिन एक गोल बनाते थे, हर एक दिन एक गोल को क्या अचीव करते हैं। ऐसे ही हमें ही करना है, टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। अब चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक क्या है, यूएनओ, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ के जानने से पहले थोड़ा क्या यूएनओ का हिस्ट्री जानते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से लेकर 1918 तक चला, इसका फुल नाम क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, 28 जुलाई 1914, 11 नवंबर 1918, और ये फॉर्मली कब इंड हुआ, 28 जून 1919, जब वर्सेली ट्रीटी साइन हुआ। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध है 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला, पर फॉर्मली कब इंड हुआ, जब वर्सेली ट्रीटी 28 जून को 1919 में हुआ। देखिए, उस दौरान बहुत सारे इंसानों की जान गई, अब प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। तो इसी दौरान अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वुड्रो विल्सन, इन्होंने क्या सोचा कि उन्हें एक ऐसा संगठन बनाया जाए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने ही ना दे। इन्होंने क्या बनाया, लीग ऑफ नेशन। इन्होंने बनाया वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन क्या बनाया, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 जिसका काम जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये बना। देखिए, अब जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्यों बना, क्योंकि पहले ही यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बन चुके थे, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए जेनेवा स्विट्जरलैंड में 10 जनवरी 1920 में बना। लीग ऑफ नेशन का काम क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ना होने दे, पर ये बहुत सारे काम में करता था, मतलब जैसे फूड, लेबर, हेल्थ। देखिए, खाना के सेक्टर में गरीबों के देश में खाना चाहे बांटने का काम हो, चाहे स्वास्थ्य का काम हो, सब मजदूरों को काम खिलाने का सब काम में लीग ऑफ नेशन क्या मदद कर रहा था। पर लीग ऑफ नेशन ज्यादा दिन नहीं चल सका, क्योंकि इसका एक नियम था, अगर किसी को भी लीग ऑफ नेशन में आना है तो क्या अपने जो देश का पार्लियामेंट है, सांसद है, इसमें क्या परमिशन लेना होगा। इसका जो संपादक क्या अमेरिका के वुड्रो विल्सन थे, पर लीग ऑफ नेशन में अमेरिका ही नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका लीग ऑफ नेशन में सांसद में जाके बोला कि मुझे लीग ऑफ नेशन में जाना है, तो अमेरिका के सांसद ने इसे परमिशन नहीं दिया। अगर जब अमेरिका ने बनाया है लीग ऑफ नेशन, जब अमेरिका ही नहीं आ सकते हैं तो और देश कैसे आ सकता है, तो इसीलिए लीग ऑफ नेशन नहीं चल सका। ये तो पहला रीजन है। और सेकेंड रीजन क्या है, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया तब भी लीग ऑफ नेशन चुपचाप देखता रहा, जब जर्मनी ने फ्रांस की जगह ली तब भी कुछ नहीं बोला लीग ऑफ नेशन, और जब जर्मनी ने रशिया पर अटैक किया था सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर था ये शुरू हो गया, ऐसे काम किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो लीग ऑफ नेशन का कुछ मतलब ही नहीं है। जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो उस दौरान भी बहुत सारे इंसानों की जान गई एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके 1945। तो देखिए, उस दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था इनका, डॉक्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, डियर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इनका नाम था। तो इन्होंने क्या कहा कि हम लोग लीग ऑफ नेशन को सुधार के एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखा है, यूएनओ, जिसे हम लोग क्या जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन।
ऐसे ही इवेंटों का क्या निर्माण हुआ। देखिए ये तो हो गया हमारा बैकग्राउंड। और बहुत सारे किताबों में क्या दर्ज है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अटलांटिक चार्टर। ये अटलांटिक चार्टर होता है क्या? क्या अटलांटिक चार्टर? अटलांटिक चार्टर देखिए अटलांटिक चार्टर ये क्या है, जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो जो पावरफुल नेशन थे ये बहुत चिंतित थे कि हम लोग देश में कैसे शांति कायम रखे। इसके लिए उस समय दो पावरफुल कंट्री में जैसे एक हो गया अमेरिका, एक हो गया ब्रिटेन। देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट डॉक्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मीटिंग एक बैठक अपने बताई कहाँ पे, हमारे अटलांटिक महासागर के, अटलांटिक महासागर में वारशिप में जो लड़ाई की पनडुब्बी होती है, इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया। ये एग्रीमेंट में इन्होंने साइन किया, एग्रीमेंट में लिखा था क्या कि हम लोग देश में शांति कायम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखा गया, अटलांटिक चार्टर। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ कब साइन हुआ, 14 अगस्त 1941 AD को अटलांटिक महासागर वार्षिक में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। अब माना जाता है इसी के सिद्धांत पर, हमारे अटलांटिक चार्टर के प्रिंसिपल पर माना जाता है यूएनओ बना। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है विच चार्टर इज द फर्स्ट स्टेप टू एस्टेब्लिश ऑफ यूएनओ, तो क्या होता है हमारे अटलांटिक चार्टर। ये बहुत सारे किताबों में लिया है तो इसे भी जान लेना जरूरी है। अटलांटिक चार्टर क्या है, द चार्टर विच इज डन मीन्स एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच, अमेरिका के प्रेसिडेंट डॉक्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, दोनों के बीच बैठक हुआ था पूरा देश में क्या विश्व में मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस, तो शांति फैलाने के लिए, क्या शांति कायम रखने के लिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं अटलांटिक चार्टर। तो ये सब हिस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ यूएनओ। अब चलिए यूएनओ के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यूएनओ के इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, 24 अक्टूबर 1945 AD यूएनओ जो है 24 अक्टूबर 1945 AD को एस्टेब्लिश हुआ था। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट है इसके मन में क्या सवाल आएगा कि ये तो 26 जून को एस्टेब्लिश हुआ था 1945 AD को, पर ये गलत है। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ 51 कंट्रीज ने साइन किया था, पर ऑफिशियली कब हुआ, 1945 AD को 24 अक्टूबर को। क्यों, क्यों जब 26 जून को जब ये हमारा अटलांटिक नहीं सॉरी यूएनओ चार्टर में जब साइन किया गया इसके बाद अभी काम नहीं कर रहा था, तो जब अमेरिका ने जापान पर दो हिरोशिमा एंड नागासाकी जब बम एटम बम भी गया, इसके बाद सब देश को क्या लग गया कि अब ये अपना काम कर सकता है। इसीलिए ऑफिशियली कब जब ये काम अपना स्टार्ट करने लगा, 24 अक्टूबर 1945 AD ये हमारा एस्टैब्लिश डेट ऑफ यूएनओ। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, 51 कंट्रीज साइन ऑन द यूएनओ चार्टर, 51 देश है जिन्होंने यूएनओ चार्टर को साइन किया था फर्स्ट में, अब तो 193 मेंबर है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ, इंग्लिश फ्रेंच चाइनीज स्पेनिश रशियन। जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ, अब 6 जो भाषा है यही भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, फ्रेंच चाइनीज स्पेनिश रशियन, इसमें हिंदी नहीं है, हिंदी लैंग्वेज यूएनओ में नहीं रखा गया है। अब ये क्या है, यूएसए यूके फ्रांस रशिया चाइना, ये जो पांचों देश है ये क्या हमारे परमानेंट मेंबर है। अब परमानेंट मेंबर, अब आप लोग सोचे इंडिया क्यों नहीं, देखिए जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो भारत जो युद्ध का पार्ट में नहीं था, देखिए एक था एक्सिस पावर एक था एलाइड पावर, एलाइड पावर का क्या विक्ट्री हुआ था, ये जो पांचों देश थे ये एलाइड पावर क्या लीड कर रहे थे, इसी के लिए जब यूएनओ बना तो ये पांचों देशों का क्या परमानेंट में रखा गया। जो 10 टेम्प्रोरी मेंबर है, 10 टेम्प्रोरी कंट्री, ये हर साल क्या चेंज होते रहते हैं, तो ये क्या हमारे टेम्प्रोरी कंट्री है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं, ट्राइजोलियो नॉर्वे फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है हु इज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, इनका नाम क्या है, ट्राइजोलियो जो कौन देश के रहने वाले, नॉर्वे के। ये क्वेश्चन इसका आंसर मजा से याद रहे। अभी प्रेजेंट हमारे सेक्रेटरी जनरल एक एंटोनियन गुटेरेस जो कहाँ के, पोर्चुगल के, तो पोर्चुगल के क्या प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ये थे हमारे एंटोनियन गुटेरेस जो अभी के सेक्रेटरी जनरल है।
now there are 193 member of UNO. अभी 193 मेंबर ऑफ यूएनओ. लास्ट हमारा नेशन क्या है? साउथ सुडान, जो अभी शामिल हुआ है. देखिए पूरे देश 195 कंट्रीज है, पर दो देश यूएनओ में नहीं है. एक है क्या? फिलिस्तीन. एक है हॉली सिटी, वेटिकन सिटी भी कहा जाता है. ये दोनों ऑफिशियली क्या हमारे यूएनओ में नहीं है. बाकी सब देश है 195 में आउट ऑफ क्या हमारे 193 नेशन है. पर क्या दो नेशन नहीं है, एक फिलिस्तीन एक वेटिकन सिटी जैसे पॉलिसी भी कर. ये सब क्या हो गया हमारा इवेनो का बेसिक टर्क पॉइंट. अब पहले इवेनो का ऑब्जेक्टिव क्या थे, इवेनो का उद्देश्य क्या था कि इवेनो बना. ये सब पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवेनो. देखिए पहला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स मीन्स क्या होता है, उद्देश्य. इसका उद्देश्य क्या है इवेनो को एस्टेब्लिश, ये क्यों हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है. पहला पॉइंट क्या है, टू मेंटेन वर्ल्ड पीस. पूरा विश्व में क्या शांति कायम करने के लिए क्या इवेनो एस्टैब्लिश हुआ है. सेकेंड पॉइंट क्या है, टू कंट्रोल ऑल काइंड वर्ल्ड वार. और कोई भी वर्ल्ड वार दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या ना हो, इसीलिए क्या इवेनो का एस्टैब्लिश हुआ. देखिए 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था. देखिए आज तक क्या ये 2023 चल रहा है, पर अभी तक क्या कोई भी वर्ल्ड वार नहीं हुआ है, ना आगे भी होगा, क्योंकि इवेनो पूरा इस पर काम करता है. थर्ड पॉइंट क्या है, टू मेक यूनिटी इन द वर्ल्ड. पूरा विश्व में एकता बनाए रखने के लिए भी क्या इवेनो का निर्माण हुआ है. चौथा पॉइंट क्या है, टू मेक यूनिवर्सल ब्रदरहुड. पूरे विश्व में भाईचारा क्या कायम करने के लिए भी इवेनो का एस्टैब्लिश किया गया है, इसीलिए आज पूरे विश्व में क्या शांति है. टू प्रोवाइड हेल्प टू द पुअर कंट्री. देखिए जो नेशन क्या गरीब है, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, खाना नहीं है, इसको भी क्या इवेनो फंड प्रोवाइड करता है. जो फंड के बारे में हम लोग क्या ट्रस्टशिप जो होता है, हम लोग क्या ऑर्गेन्स में पढ़ेंगे. ये तो सब उद्देश्य था, तो ये सब ऑब्जेक्टिव ऑफ उद्देश्य है. देखिए आज इवेनो है, इसीलिए हम लोग 1945 से आज तक हम लोग कोई भी वर्ल्ड वार नहीं लड़े हैं. अगर अभी के टाइम में वर्ल्ड वार होगा तो पूरा विश्व का क्या विनाश हो सकता है. इसीलिए इवेनो को क्या इवेनो को अच्छा मानना पड़ेगा कि अभी तक क्या कोई भी विश्व युद्ध नहीं होने दिया. अब चलिए जानते ऑर्गेन्स, जो हमारा लास्ट पार्ट है, ऑर्गेन्स ऑफ इवेनो.